राजधानी दिल्ली में जहां G20 की बैठकों को लेकर दिल्ली की तस्वीर बदली जा रही है, वहीं दिल्ली का एक ऐसा इलाका भी है जहां के लोग फुटओवर ब्रिज के निर्माण को लेकर लगातार सरकार को अवगत करा रहे हैं। लेकिन इस दौरान करीब 400 लोगों की मौत सड़क हादसे में हो चुकी है। मामला बाहरी उत्तरी दिल्ली के नरेला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बकोली गाँव का है। हमीरपुर के गाँव के लोगों ने एकत्रित होकर इसी को लेकर नेशनल हाईवे 44 पर धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि ये धरना प्रदर्शन फुटओवर ब्रिज के निर्माण को लेकर किया गया, जिसको लेकर गांव वालों ने करीब 2004 से ही प्रशासन को लिखित में लगातार शिकायतें दी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन ने यहां पर फुटओवर ब्रिज का निर्माण नहीं किया। लोगों के मुताबिक 2004 से 2023 तक करीब 400 लोगों की मौत सड़क हादसे में हो चुकी है। इसी से हताश होकर गांव के लोगों ने एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सरकार के लिए चेतावनी है कि अगर जल्द से जल्द यहां पर फुटओवर ब्रिज का निर्माण शुरू नहीं किया गया तो किसी भी वक्त गांव के लोग नेशनल हाईवे को जाम कर देंगे। मेरा लड़का गोविंद सिंह सड़क पार करते हुए मृत्यु हो गई। 2004 से हम रोड के बारे में कार्य कर रहे हैं और सभी समस्त अधिकारी भारत सरकार और दिल्ली सरकार सबको लिख करके अवगत कराया गया है कि हमारे गांव के सामने फुटओवर ब्रिज और अंडरपास ना होने की वजह से 2004 से और जुलाई 2023 तक पुलिस रिपोर्ट के अनुसार 442 मौत हो चुकी है, जो कि सड़क पार करते हुए पुलिस रिपोर्ट के अनुसार RTI द्वारा जानकारी प्राप्त की, जबकि उन्होंने 2 साल का रिकॉर्ड हमें उपलब्ध नहीं करा। इसके लिए हमने क्षेत्र के अधिकारी, SDM, क्षेत्रीय के विधायक और क्षेत्र के सांसद हंसराज हंस, शरद चौहान जी, जनता देवी निगम पार्षद, सभी को अवगत कराया कि हमारे यहाँ दुर्घटनाएँ बढ़ती रही। यहाँ तक कि हमने नितिन गडकरी जी को भी पत्र लिखा कि यहाँ पर देखा जाए ताकि यहाँ पर दुर्घटना कोई ना हो, उसकी वजह से बना जाए ताकि जनता को और स्कूली बच्चे, महिलाएं और पुरुष जो अभी सड़क पार करके इस तरफ से दूसरी तरफ जा सकें। इस समय बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से, जैसे कि आप देख रहे हो रहे हैं, ये इसलिए है कि पहले यहाँ रेड लाइट थी, अब ये कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, इसलिए पता नहीं है। और पहले जो है कई एक्सीडेंट भी हो चुके हैं, कभी महिला भी नहीं हुआ है, दो वकील जो अपनी गाँव के थे दोनों के गाँव में नहीं मारे एक्सीडेंट। और यहाँ पर ना तो रेड लाइट लगा रहे हैं, ना तो फूट और ब्रिज लगा रहे हैं, कुछ तो होना चाहिए। अभी ट्रैफिक पुलिस टाइम भी कर दें, उसके बाद ये कैसे पूरा होने के बाद फुट और ब्रिज बनाएँ या रेड लाइट। ये समस्या हमारी आज से नहीं, काफ़ी सालों से, जब से ये NH 44 बनाए हैं, हमने भारत सरकार को कितनी दफ़ा लिखा, संबंधित अधिकारियों को लिखा, सड़क परिवहन मंत्री को लिखा, लेकिन इन सबके बावजूद प्रशासन की आँख नहीं खुली, उनकी नींद नहीं खुली। कितनी मौतें यहाँ हो गई हैं, कितने बच्चे यहाँ पे रोड क्रॉस करते हुए जख्मी हुए हैं, स्कूली बच्चे, जबकि हमारे ये गांव ऐसा गांव है NH 44 से जुड़ता हुआ, इसके साथ ही 3-4 गांव और जुड़ते हैं। हमीरपुर गांव है, बख्तारपुर गांव की पब्लिक यहाँ से जाती है, स्टूडेंट जाते हैं। एक हमारे यहाँ बहुत प्राचीन मंदिर शिव मंदिर है, जिसको पब्लिक जो है यहाँ पे जो है दर्शन करने के लिए आते हैं, बाहर की जनता भी आते हैं, बुजुर्ग भी काफ़ी मात्रा में आते हैं। तो ये सब चीज़ देखते हुए इतने हाथ से जो आंकड़े, मतलब गवर्नमेंट कहती हैं 400 से ऊपर बहुत जो है यहाँ पर हो चुकी हैं, तो इन सबको देखते हुए हमने सोचा है अगर ये भारत सरकार, संबंधित अधिकारी और जिला एरिया के जो जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी नेतागण हैं, हमने सबको सूचित कर दिया है और आज हमने शांति करने के लिए जो है ऐलान किया था, वो बड़े शांति से हम जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अगर अभी भी प्रशासन की आंख नहीं खुली तो हमें मजबूर होकर ये राजमार्ग बंद करना पड़ेगा। हमीरपुर का और बकोली का एक ही रास्ता है, इसमें आए दिन बड़ी परेशानी, जैसे आज ये धरना प्रदर्शन आप देख ही रहे हो, आए दिन बड़ी परेशानी है।
मैं आज आप लोगों के माध्यम से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ प्रशासन से कि जल्दी से जल्दी इस पर कोई कार्रवाई करके और यहाँ पे हमारे को राहत दे कि हम जो ना सुनिश्चित हो जाए और यहाँ के जो आने जाने वाले आदमी हैं उनको ज़्यादा परेशानी ना हो। जो हमारे छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, यहाँ 425 आदमी की डेथ हो चुकी है ही। तो हमारा ये उद्घाटन हुआ था, ये जो 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी, एक नंबर की जो सेंट्रल गवर्नमेंट में थी, जब उद्घाटन होता उसके बाद में फिर ये सरकार हमारी बदल गई कांग्रेस की। उसके बाद में जो उद्घाटन हुआ था, एक ये बिलासपुर का एक ही हुआ था, वो फ्लाईओवर तो बनवा लिया कांग्रेस की सरकार आ गई थी, इसलिए ये आम आदमी वालों ने कुछ नहीं किया। अच्छा, आप शांतिपूर्व प्रदर्शन है, आपकी बात उन्होंने कागज रोड वगैरह जाम करोगे, मैं बोला जी आज एक प्रदर्शन करेंगे, हम अपनी ताकत दिखाएंगे। उसके बाद में हम भी एसडीएम साहब के पास गए, एसडीएम साहब ने